दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक होगा आज का हमारा फोर्स यानी बल। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, बलाघूर्ण और बल युग्म। आप जानते हैं यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। यहां से 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि 68th बीपीएससी में आप देख सकते हैं हमारे पास सीरीज है बी, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये था आपका घर्षण बल से। उसी तरीके से इसी 68th बीपीएससी सीरीज बी का क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपका केंद्राभिमुखी बल से। फिर इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि घर्षण बल से है। क्वेश्चन नंबर 14 ये अपकेंद्रीय बल से पूछा गया क्वेश्चन था। तो हम देख पा रहे हैं कि 68th बीपीएससी में टोटल क्वेश्चन नंबर 12, 14, 13 तीन क्वेश्चन ये हो गए, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बल यानी फोर्स टॉपिक से पूछे गए थे। इससे पहले भी एग्जाम जो हो रहे थे वहां भी इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, चाहे वो 67th बीपीएससी री एग्जाम हो, ये भी आपका अपकेंद्रीय बल से पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल से आया हुआ क्वेश्चन था, ये बल गुणनफल इसके डिफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन था, और ये भी गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित क्वेश्चन था। तो बीपीएससी लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती आ रही है। इस टॉपिक को बहुत ही कम्प्रेहेंसिव तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जामिनर तथ्यात्मक सवालों के साथ साथ आपसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बदलते एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम की डिमांड को फुलफिल करते हुए आप लोगों को इवोक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर क्लासेज प्रोवाइड की जाती हैं। इस चैनल की यही एकमात्र विशेषता है कि एग्जाम के डिमांड और एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से बदल रहा है, क्वेश्चन की जिस तरीके से प्रकृति बदल रही है, उसी के अनुसार आप लोगों को क्लासेज प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे और क्वेश्चन देखें तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा सही करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इन बलों को पढ़ने से पहले हम लोग बल क्या होता है इस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, ताकि जब हम आगे बलों के बारे में पढ़ें तो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट हमारे क्लियर होते जाएं। तो बात करें बल क्या होता है। बल क्या होता है आप जानते हैं, आप भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आप जब किसी वस्तु पर फोर्स करते हैं, किसी वस्तु की गति को परिवर्तित करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास में जो भी आप शक्ति लगाते हैं वो क्या होता है, बल होता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। तो बल क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पत्थर का टुकड़ा है और उस पत्थर के टुकड़ों को आप खिसकाना चाहते हैं, तो खिसकाने के लिए एक बल लगाएंगे। तो अगर वो पत्थर हल्का है तो पत्थर क्या होगा, गतिमान हो जाएगा, वो पत्थर आगे खिसक जाएगा। लेकिन अगर वो पत्थर वजन है तो पत्थर वो खिसकेगा नहीं, लेकिन आप उस पत्थर को खिसकाने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो यही होता है बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक इसका होता है डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10^5 डाइन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मात्रकों के बारे में हमने अपनी पहली क्लास में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं आपके एग्जाम में लगातार महत्वपूर्ण मात्रक, अदिश सदिश राशियां और कुछ इंपॉर्टेंट मापक यंत्र पूछे जाते हैं, इसलिए पहली क्लास इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर देखिएगा। बल को हम एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं, F बराबर ma, जहां F क्या है, फोर्स यानी बल है, m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इस फार्मूले को आप याद रखना, F बराबर ma। बलों के प्रकारों में अगर हम देखें तो प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के ही बल होते हैं, विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वे कौन से 4 प्रकार हैं बलों के, तो उसमें सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्बल या क्षीण बल और चौथा है प्रबल बल। तो बल मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और इन्हीं बलों से विश्व के जो अन्य बल हैं, चाहे वो घर्षण बल हो, बल युग्म हो, बल आघूर्ण हो, अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल हो, इन्हीं बलों से जो है प्राप्त किए जाते हैं। मूलतः 4 प्रकार के बल हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल या जिसे हम क्षीण बल कहते हैं, प्रबल बल। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से 10^38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो इस तथ्य को भी याद रखें कि विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक होता है, 10^38 गुना अधिक होता है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 4 बल हैं मुख्य रूप से, इनका क्रम लगाने को दिया जा सकता है कि कौन सा बल सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे कम शक्तिशाली बल कौन सा है। तो इसका क्रम है जिसमें जो सबसे शक्तिशाली बल होता है वह प्रबल बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल,
दूसरे नंबर पर दुर्बल बल होता है, तीसरे नंबर पर विद्युत चुंबकीय बल होता है और चौथे नंबर पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये जो चार मूलतः बल हैं प्रकृति में, इनमें सबसे जो कम शक्तिशाली बल होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। शायद अगर आप इससे पहले आपको क्वेश्चन दिया जाता तो आप इन चारों बलों में सबसे पहला जो ऑप्शन आप चूज करते वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो चार मूलतः प्रकृति में बल पाए जाते हैं, इसमें सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, और सबसे जो शक्तिशाली बल है वह प्रबल नाभिकीय बल है। इसका क्रम है ये, प्रबल नाभिकीय बल, उसके बाद दुर्बल बल, तीसरे नंबर पर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को हमने ऊपर पढ़ा भी कि यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10^38 गुना अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है प्रकृति में पाए जाने वाले इन चार बलों में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हमने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि बल क्या होते हैं, बलों के कितने प्रकार हैं, और उसमें सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है और सबसे दुर्बल या सबसे कमजोर बल कौन सा है। अभिकेंद्रीय बल की बात करें तो वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल, इनवर्ड जो फोर्स होता है, वो अभिकेंद्रीय बल होता है। एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार ये पथ है और इस पथ में जो केंद्र की ओर ये फोर्स लग रहा है, ये आपका होता है अभिकेंद्रीय बल। अगर यह अभिकेंद्रीय बल ना हो तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल नहीं सकती है। इस तथ्य को भी याद रखिए कि अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चल नहीं सकती है। और अभिकेंद्रीय बल लगता किस ओर है, तो केंद्र की ओर बल लगता है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है सेंट्रीपेटल फोर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आपके साइंस में पूछे जाते हैं, तो आप इन उदाहरणों को जरूर याद रखिए। थोड़ा सा आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो बल लगता है वह कहां लगता है, केंद्र की ओर लगता है। तो उदाहरण के लिए सबसे पहला बल है इसमें इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल के कारण संभव हो पाता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर तथा उपग्रहों का ग्रहों के चारों ओर घूमना भी अभिकेंद्रीय बल के कारण संभव हो पाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। अगर आप किसी मोड़ पर वाहन के मोड़ते समय पहिए व सड़क के मध्य लगने वाला आकर जो घर्षण बल होता है वह आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो अब एग्जामिनर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी मोड़ पर वाहन के मुड़ते समय पहिए व सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल से उत्पन्न होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या और भी डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। आपका जवाब होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल। उसी तरीके से अन्य जो इसके एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है, मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल का चलना, और इसी प्रकार हाथ की डोरी से बंधे पत्थर का वृत्तीय पथ पर घूमना, ये जो चीजें होती हैं ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव हो पाती हैं। हालांकि ये तो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया बल के उदाहरण है, जिसे कभी कभी भ्रमवश अपकेंद्र बल मान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हाथ की डोरी से अगर कोई पत्थर बांधे तो जो फोर्स लगता है तो आपको समझ में आता होगा वो बाहर की तरफ लग रहा है, यानी जो पत्थर होता है वो अपनी तरफ जो है डोरी को खींचता है। उसी तरीके से मौत के कुएं में जब कोई मोटरसाइकिल आप चलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो व्यक्ति है वो बाहर की तरफ झुका हुआ दिखेगा, तो आपको लगेगा कि वह अपकेंद्रीय बल है, यानी बाहर की तरफ बल लग रहा है। लेकिन ये भ्रमवश ऐसा हमको प्रतीत होता है। ये दोनों बातें जो है वो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया के उदाहरण है, इस बात को आप याद रखें। यहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, और डोरी वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा चुका है 68 बीपीएससी में। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल का मतलब क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किधर लगता है, केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, इसलिए इसे हम केंद्राभिमुखी बल भी कह सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स जैसे इसे इंग्लिश में कहा भी जाता है। तो इसमें ऑप्शन थे कि अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए जिम्मेदार होता है अभिकेंद्रीय बल, या फिर वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपके पास ऑप्शन थे। तो आपने पढ़ा कि केंद्राभिमुखी जो बल होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, यानी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बल होता है वह केंद्राभिमुखी बल होता है। इस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है। अब हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वह अभिकेंद्रीय बल के बिल्कुल विपरीत होता है। जहां अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगता है, वहीं अपकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये जो आप फोर्स देख रहे हैं ये बाहर की ओर लग रहा है, और बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वृत्ताकार पथ में वह अपकेंद्रीय बल होता है। यह एक जड़त्वीय बल या फिर छद्म बल भी इसे कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहला उदाहरण है, चक्री झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना। अगर आपने कभी राउंड शेप में झूला झूला हो
तो हम देखते हैं कि अगर आप किनारे झूले में बैठे हुए हैं और वो गोल गोल घूम रहा है, तो जो आपका शरीर होगा वह बाहर की तरफ झुका हुआ प्रतीत होगा या झुका हुआ आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर यहाँ पर लगता है अपकेंद्रीय बल। तो चक्री झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना ये अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। इसी प्रकार से किसी कार में बैठे व्यक्ति को यदि अचानक किसी मोड़ पर कार यदि दाईं ओर घूम जाती है तो उसे बाईं ओर झटका लगता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने जैसे पढ़ा अपकेंद्रीय बल कहां लगता है, बाहर की ओर लगता है। और अगर व्यक्ति दाईं ओर तेजी से किसी वाहन में बैठा है और वह तेजी से दाईं ओर मोड़ लेता है तो व्यक्ति जो होगा वह बाईं ओर झुक जाएगा। किसी वाहन में बैठे व्यक्ति को यदि अचानक किसी मोड़ पर अगर दाईं ओर घूम रहा है तो उसे बाईं ओर झटका लगेगा, अगर बाईं ओर घूमती है तो उसे दाईं ओर झटका लगता है। अपकेंद्रीय बल पर आधारित कुछ यंत्र हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रक्षालन मशीन। तो प्रक्षालन मशीन आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कैसी मशीन है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश नाम होता है वॉशिंग मशीन उसे सभी जानते हैं, लेकिन हिंदी जो नाम है इसका प्रक्षालन मशीन, शायद इससे पहले आप लोग ये नाम वॉशिंग मशीन का नहीं सुने होंगे। तो वॉशिंग मशीन कहे या फिर प्रक्षालन मशीन कहे, इसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी जो बल लगता है वो बाहर की ओर लगता है। अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले हो तो जो चक्का घूमता है उससे जो कपड़े होते हैं वो बाहर की तरफ ऐसे यूं भागते हुए आपको प्रतीत होंगे। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, आप जानते हैं आपके घरों में अगर दूध से मक्खन निकाला जाता होगा तो आपकी माताजी मथानी लेके दूध को फेरती हैं और जो मक्खन नैनू होती है वह मटके के जो है वो किनारे पर लगती है। तो जो मक्खन होता है वो कहाँ जाता है? किनारे पर, साइड में जो है वो लगता जाता है। इस तरीके से दूध से मक्खन निकालने की मशीन में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। ड्राई क्लीनर मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर आधारित यंत्र होता है। तो कुछ ये प्रमुख यंत्र हैं जो अपकेंद्रीय बल पर आधारित हैं। अपकेंद्रीय बल जो होता है वृत्ताकार पथ पर बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल को पढ़ा, और यहां से एग्जामिनर आपसे लगातार क्वेश्चन पूछता है। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसके बाद हम इसके उस हिस्से में जाएंगे जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हो, अगर दो या दो से अधिक पिंड हैं, तो उनके बीच द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप चित्र के माध्यम से यहां देख पा रहे होंगे कि ये पिंड है जिसे हमने M1 माना, और ये पिंड है M2, और इनके बीच की त्रिज्या क्या है? R है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा? जी जहां पर क्या है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये एक सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान ये होता है। आप इसे याद कर सकते हैं, एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप लोग उसे सही कर ले जाएं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? हमने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जी बराबर यहां हो गया M1 M2 जो हमने पिंड माने, और बटे आर स्क्वायर जो इनके मध्य की दूरी है। ये जो फार्मूला है ये बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ पर आधारित है, यानी न्यूटन के नियम पर ये आधारित है। न्यूटन ने बताया था कि यदि दो ब्रह्मांड में दो पिंड हैं, दो कण हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वह दोनों पिंडों के द्रव्यमानों और उनकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप इस तथ्य को भी याद रख सकते हैं, इसका फार्मूला है, इसे भी आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटी क्या होती है, यानी गुरुत्व क्या होता है? तो हमने गुरुत्वाकर्षण तो पढ़ ही लिया है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण बल को हमने जाना कि ऐसा बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। यदि इन वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण को हम क्या कहेंगे? गुरुत्व कहेंगे। तो हमने जाना ब्रह्मांड में दो पिंड है तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यदि इन दोनों पिंडों में एक पिंड अगर पृथ्वी है, एक पिंड क्या है? पृथ्वी है, तब इनके बीच जो बल लगेगा उसको हम कहेंगे गुरुत्व। और यह गुरुत्व जो होता है
जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो आप जानते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती है। तो जो गुरुत्व बल होता है इसी बल के कारण पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल जाना, गुरुत्व ग्रेविटी जानी। और ग्रेविटी क्या होती है, अगर दो पिंड है उसमें एक पिंड अगर पृथ्वी है तो उन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो होता है गुरुत्व बल। अब हम आगे बढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण में। गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, और जी का मान आप जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां से अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। हमने ऊपर देखा कि गुरुत्व बल के कारण ही क्या होती है, जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु क्या है, नीचे आती है। और वह वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी के सतह के निकट आती है तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः उसके वेग में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जो गुरुत्व बल होता है उसके कारण कोई वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वह क्या होती है, पृथ्वी पर नीचे वापस आती है। और जैसे जैसे वह वस्तु पृथ्वी के निकट आती है उस वस्तु का वेग बढ़ जाता है। और आप जानते हैं वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। तो उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इसी त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, अब मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान है m, हम इसको बहुत ही डिटेल बहुत ही कम्प्रेहेंसिव तरीके से इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है और फैक्टुअल भी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपका जो जवाब हो वो सही हो, क्योंकि 4 से 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जरूरी हो जाता है बहुत ही कम्प्रेहेंसिव तरीके से पढ़ना। टोटल फिजिक्स से आप जानते हैं अगर पूरे विज्ञान की बात करें तो 30 क्वेश्चन होते हैं, जहां 16 क्वेश्चन के आसपास बायो से होते हैं, 10-12 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स से। तो 10-12 क्वेश्चन में अगर आपको 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिल जाते हैं तो समझ लीजिए आधी फिजिक्स तो आपकी इसी से कवर होने वाली है। तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी आए आप उसको सही कर ले जाएं। इसी उद्देश्य के साथ ये सारी क्लासेज बनाई भी जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो, आपका प्रीलिम्स निकले, फिर मेंस की तैयारी करें और अपना फाइनल सिलेक्शन लें। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तो उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल mg जो वस्तु का भार होगा के बराबर होगा। अतः गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। समझ में आया, नहीं आया तो इसे आप आसान भाषा में समझते हैं। आप किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो वह वस्तु नीचे आती है और नीचे आती है तो उस पर कौन सा बल लगता है, गुरुत्व बल लगता है। तो उस वस्तु का द्रव्यमान जो आपने ऊपर उछाली और जो गुरुत्व बल लग रहा है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, दोनों बराबर हो जाते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह उस बल के बराबर हो जाता है जिस बल से पृथ्वी उस द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो इससे एक चीज ये निकल कर आती है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है जी वस्तु के आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान ऊंचाई से मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में, इस तथ्य को आप याद रखें, वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाती हैं तो पृथ्वी पर वह एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल होता है वह उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। आपसे एग्जामिनर यहां से लगातार क्वेश्चन पूछता है कि अगर किन्हीं दो वस्तुओं को, कोई एक भारी वस्तु कोई हल्की वस्तु है, उनको समान ऊंचाई से अगर फेंकते हैं तो कौन सी वस्तु पहले आएगी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही जाता है कि भारी वस्तु पहले गिरेगी, लेकिन ये गलत है। दोनों वस्तु किसी भी आकार की हो, उनका भार कितना भी हो, वो वस्तुएं सेम टाइम पर जो है पृथ्वी पर पहुंचेंगी। बस कंडीशन होनी चाहिए कि वायु की वहां पर अनुपस्थिति हो, अगर वायु की उपस्थिति होती है तो फिर ये कंडीशन बदल जाती है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन था ये बीपीएससी री एग्जाम 2022 का। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात, निर्वात का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति, तो निर्वात में यानी वायु की अनुपस्थिति में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही हैं तो, अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन थे, पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे और पांचवा अंतिम ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी वस्तु हो अगर वह वायु की अनुपस्थिति यानी निर्वात में एक समान ऊंचाई से फेंकी जाती है तो सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही डी, तीनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। वायु की उपस्थिति में ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वायु की उपस्थिति में वस्तु पर वायु का स्यानाकर्षण तथा उत्प्लावन प्रभाव जो है वह पड़ने लगता है, इस दशा में भारी वस्तुओं का त्वरण हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक हो जाता है और जिसके कारण भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में
पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तो आप देखते हैं कि आप जब किसी वस्तु को उछालते हैं, अगर वह वजन होती है तो जल्दी आ जाती है, और अगर हल्की होती है तो वह देर में आती है। क्यों ये होता है? क्योंकि आप वायुमंडल में रहते हैं और यहाँ पर वायु की उपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं से पहले पृथ्वी पर गिरती हैं। कारण होता है वायु का स्थानाकर्षण और उत्प्लावन प्रभाव। लेकिन निर्वात या फिर वायु की अनुपस्थिति में सभी वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे हम न्यूटन प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मात्रक के संदर्भ में भी और इसके संख्यात्मक मान के संदर्भ में भी। अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण जो जी है, इसके मान में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, आप पृथ्वी पर डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में जाएंगे तो इस जी के मान में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आएगा। और यह परिवर्तन कैसे होता है, कहां होता है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण जी है, इसका मान हमने स्टैंडर्ड मान देखा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका प्रमाणिक मान है, यह पृथ्वी पर 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर ही देखने को मिलेगा। तो जी का मान, स्टैंडर्ड जो मान है, वह कहां पर पृथ्वी पर देखने को मिलेगा? तो 45 डिग्री अक्षांश या फिर समुद्र तल पर। इस तथ्य को आप याद रखना। इसके अलावा पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्से में यह जी का मान परिवर्तित होने लगता है। जैसे ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। इस तथ्य को आप रट लो, याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी पर कहां सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है। इस तथ्य को आप याद रखें, ध्रुवों पर सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे कम। अब इसका कारण क्या होता है? अगर आपसे एग्जामिनर कारण पूछ ले, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपसे जानने की कोशिश करे कि जो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है वह क्यों ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, तो इसके दो कारण है। पहला, पृथ्वी का आकार। दूसरा होता है पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी का आकार कैसे जिम्मेदार है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवों की व्यास से अधिक होता है। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो व्यास है वो भूमध्य रेखीय व्यास से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर उठते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपकी त्रिज्या होती है, जो व्यास होता है, वो कम होता जाता है। तो जब व्यास कम होगा तो जी का जो मान होता है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का फार्मूला होता है वह जी एम बटे आर ई स्क्वायर। यहां पर आर का मान जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही कम आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा, और R का मान जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपका गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी G का मान होगा। तो ध्रुवों पर R का जो मान होता है, R का जो व्यास होता है, जो त्रिज्या है, वह आपकी बहुत कम हो जाती है। इसके कारण जो है गुरुत्वीय त्वरण G का मान ध्रुवों पर अधिक हो जाता है, और भूमध्य रेखा पर जो R होती है, जो इसका व्यास होता है, जो त्रिज्या होती है, वह सर्वाधिक होती है, और इसके कारण भूमध्य रेखा पर सबसे कम G का मान होता है। दूसरा है पृथ्वी का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति जितनी ज्यादा होगी जी का मान जो है उतना कम होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति जितनी कम होगी जी का मान उतना अधिक होगा, यानी घूर्णन गति के विपरीत जो है वह जी का मान होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति की स्पीड बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति की जो स्पीड है वह सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर, जिसके कारण जी का मान वहां सबसे कम हो जाता है। जो पृथ्वी के घूर्णन गति सबसे कम होती है वो होती है ध्रुवों पर, जिसके कारण जी का मान वहां पर सबसे अधिक हो जाता है। तो ये दो कारण है गुरुत्वीय जनित त्वरण जी के मान के डिफरेंट डिफरेंट होने के। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जी का मान परिवर्तित होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन इसमें इस तरीके के भी बन सकते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए जो गुरुत्वाकर्षण जी का मान है वह भूमध्य रेखा से ऊपर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वह बढ़ता जाता है। जी का मान जो परिवर्तित होता है, हमने ऊपर देखा था कि द्रव्यमान और आकार इस पर निर्भर नहीं करता है, किंतु भार अवश्य परिवर्तित हो जाता है। अगर जी का मान कम होगा तो वहां उस वस्तु का भार जो है वह कम होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण जी है इसका मान अधिक होगा तो भार भी अधिक होगा। इसीलिए हम देखते हैं जो चंद्रमा है वहां का जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो जी है उसके मान से 1/6 है। यानी अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा? वो होगा 6 से भाग करेंगे तो 10 होगा। इसलिए क्या होता है, जो चंद्रमा पर आप मान लीजिए 60 किलोग्राम की वस्तु जो पृथ्वी पर है, अगर उसी वस्तु को आप चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उस वस्तु का वेट बचेगा कितना? 10 केजी। कारण क्या है कि जी का मान जैसे जैसे बढ़ता है भार भी जो है उसका बढ़ने लगता है। अगर जी का मान घट जाएगा तो भार भी जो है वह घट जाता है। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से कितना है? 1/6 है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग ऐसा वेग है जब गुरुत्वाकर्षण
बल को वह पार कर जाए। अगर आप किसी पत्थर को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंके तो फिर वह वस्तु कभी वापस नहीं होगी, वह वस्तु पलायन कर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगी। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप पृथ्वी का जरूर याद रखें, यह आपसे पूछा जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो आप जान रहे हैं चंद्रयान 3 ये सब सैटेलाइट भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से भेजे जाते हैं, तो इनकी जो ट्रैकिंग करते हैं स्पष्ट रूप से वह डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा इन उपग्रहों की जो है स्पष्ट रूप से ट्रैकिंग की जा सकती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था इसलिए हमने इसको यहाँ पर अतिरिक्त जो है पॉइंट के रूप में शामिल कर दिया है, ताकि इसी तरीके से अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे आप आसानी से कर लें। अब अंत में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल में लिफ्ट में व्यक्ति का भार परिवर्तन, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। इसमें चार कंडीशन बनती हैं, अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं या खड़े हैं तो इसमें चार कंडीशन बनती हैं, चारों कंडीशन गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती हैं, गुरुत्व के कारण बनती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है, यानी आप खड़े हैं और लिफ्ट जो है वह ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का जो भार है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। आप लिफ्ट पर हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो आपका भार है वो आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर आप लिफ्ट में कभी चढ़े होंगे बैठे होंगे तो आप लोगों को इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकली जो है महसूस किए होंगे। दूसरा क्या है, जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है, यानी लिफ्ट अब क्या है त्वरण ए इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वेग जो है वो परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो स्पीड यहाँ पर क्या होती है परिवर्तित होती रहती है। तो जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आ रही है तो इस दशा में व्यक्ति का जो आभासी भार है वह घटा हुआ प्रतीत होगा। तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो आपका भार घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग यानी इसका त्वरण अगर शून्य कर दिया जाए तो लिफ्ट चाहे ऊपर हो या फिर नीचे जाए, इन दोनों दशाओं में ही व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं पाएगा। तो जब लिफ्ट एक समान वेग यानी उसका त्वरण जो है शून्य होगा तो ऊपर या नीचे जाते समय इस स्थिति में व्यक्ति अपने भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं उसको होगा। तो ऊपर जाएंगे त्वरण ए लगेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, नीचे ए त्वरण से नीचे आएंगे लिफ्ट में तो घटेगा, अगर त्वरण शून्य है समान वेग से है तो क्या होगा, व्यक्ति के भार में कोई भी परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। इसकी जो चौथी कंडीशन है, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए, अब आप लिफ्ट में आ रहे हैं और अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी, अर्थात उस दशा में व्यक्ति को अपना भार जो है शून्य प्रतीत होगा। अब आप लिफ्ट पर जा रहे हैं अचानक से डोरी टूट जाए तो आप जो है अपना भार जो है बिल्कुल उस स्थिति में शून्य पाएंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ सकते हैं इसी लिफ्ट परिवर्तन के संदर्भ में कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल शून्य होता है। तो बिल्कुल ये जो चौथा पॉइंट है इसी संदर्भ में ये लिखा गया। इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिकोड कर दिया कि अगर आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन बने तो आप उसे आसानी से सही कर लें। क्वेश्चन क्या था कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन थे, तो इसमें सही ऑप्शन क्या था कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य क्या हो जाते समय वह बल क्या होगा, शून्य होगा। इसके जो अन्य ऑप्शन थे आप देख सकते हैं कि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, आप जानते हैं ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति का भार क्या होगा, बल क्या होगा, बढ़ेगा। लिफ्ट के अगर 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा, शून्य इसमें दिया है, लेकिन नीचे आते हैं तो क्या होता है, घटता है। इसका जो चौथा ऑप्शन था कि लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा, तो यह भी बिल्कुल गलत है। अगर त्वरण जो है वो घट बढ़ रहा है तो आपका जो भार है वो भी घटता बढ़ता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही था कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल्कि ये कंडीशन आपकी होगी। तो इस तरीके से हमने अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल को बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसी बल के पार्ट 2 को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम जो अन्य बचे हुए जो इसके बल हैं, घर्षण बल, बल आघूर्ण, बल युग्म, इनको पढ़ेंगे। घर्षण बल से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए नेक्स्ट पार्ट भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर बीपीएससी मेंस और एसए की क्लासेज पड़ी हुई हैं, तो आप मेंस की भी तैयारी बेधड़क कीजिए। और प्रीलिम्स के ऑलरेडी हमने इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से, उन सब्जेक्ट को भी हमने कवर किया है तो आप उन्हें भी देखें। एक होलिस्टिक वे से 69th बीपीएससी को टारगेट करते हुए आप लोगों को लगातार प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस दी जा रही हैं, इसलिए इस चैनल पर बने रहें।
इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर आप लोगों को ये क्लासेस बेनिफिशियल लग रही हो, दोस्तों में शेयर करें ताकि उन मित्रों को उन भाइयों को जरूर फायदा हो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि ये क्लासेस में कोई भी पैसा नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है और वीडियो की क्लासेस यहां पर मिलती है, देखें सुने पढ़ें और एग्जाम क्लियर करें सिलेक्शन लें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें।